लाहौर प्रेस क्लब इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। प्रेस क्लब का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। जर्नलिस्ट और प्रोग्रेसिव पैनल में कांटे का मुकाबला। सदारत की नशस्त पर जर्नलिस्ट पैनल के अरशद अंसारी, प्रोग्रेसिव पैनल के जाहिद गोगी मद्द मुकाबल। सेक्रेटरी की सीट पर जर्नलिस्ट पैनल के बाबर डोगर और प्रोग्रेसिव के जाहिद आबिद आमने सामने। दोनों ग्रुप्स के उम्मीदवार जीत के लिए पुराज़्म, हामियों के ढोल की थाप पर भंगड़े। जल्लोपार्क डेंटल कॉलेज के करीब गाड़ी में आग भड़क उठी। 45 साला नामालूम शख्स झुलस कर जान भाग। आग से गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह। रेस्क्यू की टीम ने आग बुझा दी। लाश मनावा थाने के सपोर्ट। जमात इस्लामी ने नैब ऑर्डिनेंस को खामोश एनआरओ करार दे दिया। सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क में कोई इमरजेंसी नहीं, ऑर्डिनेंस के जरिए नैब के पर काटने की कोशिश की। मसनू मैंडेट से आने वाली हुकूमत अब चलने के काबिल नहीं रही। पार्लियामेंट की बेतौकीरी करके नैब ऑर्डिनेंस का क्यों सहारा लिया गया। जनरल अस्पताल से मुल्हिका ग्रीन कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। सीवरेज का नाकिस निजाम, गटर उबलने लगे। रिहायशियों का जीना दोबर, मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। अहले इलाका का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। गैस बहरान में मुनाफा खोरों को खुली छूट मिल गई। एलपीजी की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी। एलपीजी की कीमत में 10 रोज में 50 रुपए का इजाफा। फी किलो एलपीजी 160 रुपए सेल। शहरियों को हुकूमत से मुनाफा खोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। एलपीजी की कीमत पर ब्लैकमेलिंग नामंजूर। रिक्शा ड्राइवर्स के सब्र का पैमाना लबरेज। सड़कों पर निकल आए। अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से लिबर्टी चौक पर रैली। एलपीजी माफिया के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत से ओगरा के मुकरर करदा नेकों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। चेयरमैन रिक्शा यूनियन मजीद गौरी कहते हैं डीसी लाहौर एलपीजी माफिया से मिले हुए हैं। वजीर अला पंजाब सूरत हाल की संगीनी का एहसास करें। सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर। सरकार के अलग दुकानदारों के अलग रेट। इतवार बाजारों में भी रिलीफ बराए नाम। प्याज 57 रुपए की बजाय 80 रुपए किलो फरोख। टमाटर 110 की बजाय 150 रुपए बिकने लगा। लहसुन 232 की बजाय 300 रुपए सेल। सब्ज़ मिर्च 120 की बजाय 150 रुपए फरोख। ब्रॉयलर की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई। मुर्गी का गोश्त 16 रुपए फी किलो सस्ता। कीमत 226 रुपए से कम होकर 210 फी किलो मुकर्रर। जिंदा मुर्गी 145 रुपए फी किलो दस्तियाब। शहरियों का हुकूमत से सब्जियों के रेट्स कम करवाने का मुतालबा। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई। लुंडा बाजारों में दुकानदारों ने रेट बढ़ा दिए। जर्सी, जैकेट और कोट के रेट डबल कर दिए। ठंड से सताए शहरी महंगाई से परेशान। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, खुश्क मेवाजात की कीमतें बढ़ गई। अंजीर की किलो 1200 रुपये, बादाम 1800, पिस्ता काजू 2800 रुपये किलो मुकर्रर। चलगोजा 8800 रुपये फी किलो में फरोख्त। ड्राई फ्रूट की दुकानों में रश कम होने लगा। दुकानदार गाहकों के मुंतजिर। मॉडल बाजारों में आवाम को रिलीफ न मिलने का मामला। कंपनी इंतजामिया को बिलाखिर ख्याल आ ही गया। इलेक्ट्रिक पैमाने, शिकायत रजिस्टर, आवेजा न करने पर बाजार मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मयार के आला दर्जे को बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉडल बाजार कंपनी की जानिब से मुरासला जारी। SOPs पर अमल दरामद न करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। चालान फीसों में इजाफा नामंजूर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन लारी अड्डा भी मैदान में आ गए।
2 जनवरी को मुलगीर पहिया जैम हड़ताल का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन लारी अड्डा की 2 जनवरी को मुल्क भर में गाड़ी नहीं चलेगी। मरकजी सदर मलिक नदी। पंजाब हुकूमत कोयटा में 2 अरब रुपए की लागत से दिल का अस्पताल बनाएगी। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, वजीर आला पंजाब। उस्मान बुज़दार से बलूचिस्तान के वजीर आला जाम कमाल खान की क़यादत में वक्त की मुलाकात। बैरुल सूबाई हमाहंगी के फरोग के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल। अवामी खिदमत की राह में हायल रुकावटें ख़त्म करने पर इतफाक। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने न्यू ईयर नाइट से कबल इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मॉल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड समेत दीगर सड़कों पर 50 मोटरसाइकिलिस्ट तैनात। बगैर साइलेंस मोटरसाइकिल और रिक्शे बंद करने का हुक्म। बागे जिना में मुस्तहिक बच्चियों में जहेज तकसीम करने की तकरीब। 150 से ज़ायद खानदानों में जहेज के लिए जरूरी सामान तकसीम किया गया। अहलिया गुआना पंजाब परवीन सरवर की बतौर मेहमान खास शिरकत। बोली मुस्तहिक अफराद की माली मुआवनत के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। गुज़श्ता माह 25 से ज़ायद वालिदैन को बच्चियों की शादी के लिए पैसे दिए। उन्नीस में फन की दुनिया के कई सितारे हमसे बिछड़ गए। अदाकार रूही बानो 25 जनवरी को दुनिया फानी से कूच कर गईं। गुलकारा शहनाज बेगम 23 मार्च को अपने चाहने वालों को सोगवार छोड़ गईं। अदाकारा जहीनता ताहिरा 9 जुलाई को दागे मुफारकत दे गईं। लेजेंड अदाकार आबिद अली 5 सितंबर को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। स्टेज अदाकार अशरफ राही 26 दिसंबर को इंतकाल कर गए। पंजाब स्टेडियम में नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के मुकाबले। इवेंट के दूसरे रोज मर्दों ख़वातीन ने सिंगल एस्प्रेंट में जोर आजमाई की। फाइनल मुकाबले 30 दिसंबर को मुनाकिद होंगे। चैंपियनशिप से बहुत कुछ सीखने को मिला साइकिलिस्ट। और मेजर जनरल सईदुज़्ज़मान मेमोरियल पोलो कप का फाइनल। AOS और सूफी की टीमें मद्दे मुकाबले। फैमिलीज की बड़ी तादाद पोलो मैच देखने में मगन।